पुत्र हटाते नहीं विकजे, ए पुत्र हटाते नहीं विकजे, की लबनी विच बाजार पुड़े पाकिस्तान। आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। जब भी 6 सितंबर की बात होती है तो हसीन यादें हमारे जहनों में आ जाती हैं, वो कुर्बानियां, वो बहादुरी, वो शुजात के किस्से हमारे जहनों में आ जाते हैं जो कि हमारे जवानों ने 1965 में अपनी कुर्बानियों से जो कहानियां वहां पर छोड़ी वो आज तक हमें याद हैं और हमारी आने वाली नस्लों को भी हमेशा ये बहादुरी के, ये शुजात के किस्से, ये कुर्बानी के किस्से हमेशा याद रहेंगे और याद रखे जाएंगे। इसमें हमारे लिए बहुत सारे सबक भी हैं, इसमें दुश्मन के लिए भी बहुत सारे सबक हैं कि कभी वो ललकारेगा तो उसको किस तरह से जवाब मिलेगा कि हम सोए नहीं हैं, हमारे जवान, हमारी अफवाज गाफिल नहीं हैं। रात का अंधेरा हो या सुबह की रोशनी, हमारी अफवाज हर लम्हा तैयार कामरान है। जब 1965 की बात होती है उसी की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए आज हमारे साथ द ब्लाइंड साइड में मौजूद हैं बहुत ही हमारे लिए काबिले एहतराम, हमारे लिए इंस्पिरेशन, हमारी पूरी जनरेशन के लिए, और इनका जो एहसान है पाकिस्तान में आने वाली तमाम नस्लें याद रखेंगी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो हम आपको जितना भी सैल्यूट पेश करें वो कम है, आपको, आपके साथियों को, हमारे मुजाहिदीन को, हमारे गाजियों को, हमारे शहदा को, आप लोगों ने जो एहसान किया है हम पे, हमारी आने वाली नस्लों पे, वो कभी हम भुला नहीं पाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप तशरीफ लाएँ, क्योंकि आप इस वाक़े को 50 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका हुआ है और लोग जो जनरेशन जैसे आपकी जनरेशन है ये भूलती जा रही है। क्योंकि मैं जब आपकी उम्र का था तो उस वक्त मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में था, 63 में मैंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन की, तो 65 की लड़ाई में मेरी उम्र 21 साल थी, 22 साल, यानी कि गालिबन आपकी उम्र में ऐसा था मैं उस वक्त, वो वल्लुरा था। लेकिन अभी आप देखें मुझे कि मैं इस उम्र में पहुँच चुका हूँ, तो वो जो 65 की लड़ाई का जज्बा है और उसके अंदर जो एक सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो फौज और अवाम इकट्ठे थे ऐसे और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह थी। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसको जो लीडरशिप थी फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, उन्होंने 3.5 मिनट की सिर्फ तकरीर की थी और 3.5 मिनट की तकरीर क्या थी? मेरे अजीज़ हम वतनों, दुश्मन ने हम पे बुजदिली से, बुजदिल दुश्मन ने अचानक हम पे हमला कर दिया, लेकिन हमारे 9 से 10 करोड़ अवाम जिनके दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह से धड़कते हैं वो उस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें खामोश नहीं हो जाती। ये सिलसिला था। हमने जब तकरीर सुनी, मैं 6 सितंबर में या पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में था, तो हमें जब ये तकरीर सुनी तो हमारा वलवला पैदा हुआ, यही तकरीर का वलवला। क्योंकि देखें जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा ईमान है, इसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं। और जो इनके दिल धड़कते हैं, बाकी हमारे दिल धड़कते हैं इससे, इसकी आप इम्पोर्टेंस देखें, जिनके इससे दिल धड़कते हैं ये उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपों की खामोश नहीं हो जाती। अब ये एक मैसेज अब गया तो पूरे पाकिस्तान के अवाम चिटागोंग से और ढाका से ले कर लंडी कोतक तक खड़े हो गए, क्वेटा से ले कर कराची तक खड़े हो गए और वो अफवाज पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। ये वो जज्बा था जिस जज्बे ने हमें एक बहुत सुपीरियर अपना दुश्मन के ऊपर हमें फतह दिलाई। सिर्फ आप इधर देख लें कि दुश्मन ने एक कोर से हमला किया और यहाँ पर सिर्फ 10 डिवीजन, हमारे पास तो कोर थी नहीं, एक ही कोर थी खारिया में, और यहाँ डिवीजन हेडक्वार्टर 10 डिवीजन था और एक ब्रिगेड
बरकी सेक्टर में था, एक ब्रिगेड जो था वो वाघा सेक्टर में था, एक ब्रिगेड रिजर्व में था, और वहाँ से उन्होंने कोर 11 कोर के साथ हमला किया, जिसमें एक इन्फेंट्री डिवीजन आर्मर रेजिमेंट के साथ उसने गवंडी बॉर्डर से बरकी पे हमला किया, एक 15 डिवीजन के साथ उन्होंने वाघा सेक्टर में मेन एक्सेस पे हमला किया आर्मर रेजिमेंट के साथ। और रिजल्ट आप देख गए कि वो बीआरबी नहीं करा सके, किसी जगह भी बीआरबी नहीं करा सके। और उसके अंदर एक और बड़ा है कि जब उसने उनके जो कमांडर इन चीफ ने कहा था कि चलो भाई हम जाके जिमखाना क्लब में जाके वी लाइव स्मॉल छोटा पैग, उसका जवाब हमारी यूनिट ने ये दिया कि मैं राजा अजीज भट्टी का और शफकत बलोच साहब का भी जिक्र करूंगा जो हमारे एक्चुअल हीरो हैं जिन्होंने रोका दुश्मन को, लेकिन उसके जवाब में हमारे सेकेंड कमांड थे ब्रिगेडियर असगर साहब, उस मेजर थे आईएमए पीएमए के थे, उन्होंने हमारे कंपनी कमांडर को कहा कि भाई वो जो माइलस्टोन पीछे पड़ा हुआ है उसको निकालो, और ये सीज फायर से एक दिन पहले की बात, उसके ऊपर रेड पेंट लो और उस पर लिखो 14.2 ब्लडी माइल्स, और उस माइलस्टोन को बरकी पुल के ऊपर रख दो दुश्मन की तरफ मुंह करके, ताकि दुश्मन जब देखे उसको तो उसको पता लगे कि 14.2 ब्लडी माइल्स ये खूनी मील है। और उसी के ऊपर टाइम मैगजीन ने एक पूरा आर्टिकल लिखा और उसने कहा कि ये इंडियंस जो हैं किस कौम को इन्होंने ललकारा है, और ये लफ्ज़ थे फील्ड मार्शल के, किस कौम को इन्होंने ललकारा है, और वो कौम खड़ी होगी, हमारे सिविलियंस खड़े हो गए और इकट्ठे हो गए साथ। ये यकजा होता है कि अवाम और फौज जब तक इकट्ठे नहीं होंगे आप जंग नहीं जीत सकते। आप देख लें कतर की लड़ाई आपके सामने है, अवाम नहीं थे फौज के साथ तो एक हमारा मशरकी पाकिस्तान लहदा हो गया, उससे मैं बाद में बात करूँ। तो ये सबसे ज़्यादा जज्बा है और इस जज्बे को उजागर करने की ज़रूरत है। होता यह है कि 6 सितंबर का दिन आता है, हम 6 सितंबर को मनाते हैं, आप भी मोहतरमा तशरीफ ले आई हैं, आप मेरा इंटरव्यू करेंगी, 6 तारीख को आप डिस्प्ले करेंगी, और 7 तारीख को अल्लाह खैर सलाह, फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे और फिर हम इंडियन गाने लगा देंगे, फिर हम इंडियन रस्में शुरू कर देंगे, जैसे अब कोई मेहंदी का फंक्शन होता है तो ऐसे ही लगता है कि जैसे इंडियन फंक्शन है, जिसके ऊपर सोनिया गांधी ने आज से 10 साल पहले कहा था, उस जगह पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो कल्चरल इन्वेजन की है। अब वो देख लें कल्चरल इन्वेजन हमारे, हम टीवी के ड्रामे, एयरवाइड के ड्रामे आप देख लें, उसके अंदर क्या सबक पढ़ा रहे हैं वो। कोई भी ड्रामा आप ले लें, वो साला बनोई के साथ लगी हुई है और वो उसके साथ इश्क खिला रहे हैं, क्या ये हमारा कल्चर है, क्या ये हमारी मॉरलिटी है, क्या हम ये यंग जनरेशन हम आपको क्या सिखा रहे हैं? आप जब बच्चे देखेंगे, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, वो देखेंगे तो क्या सबक हासिल करेंगे? वो तो कहेंगे बड़ा अच्छा बात है भाई, ये तो हम ड्रामे ने ये दिखाया है कि वो साली के साथ इश्क कर रहा है, वो अपनी जो है शादी हुई हुई है और उसकी बीवी को और बंदे से इश्क कर रही है। मेरा मतलब है कि कहाँ ले जा रहे हैं, और ये हमारे मीडिया को चाहिए। और इस मीडिया के हक से मैं एआरवाई के जो मालिक हैं इकबाल साहब, उनको कहूँगा और मुमैना दुरैद को और सुल्ताना बाजी को कहूँगा, आपा सुल्ताना आपा कहूँगा कि इन ड्रामों को बंद करें फॉर गॉड सेक। जिसको आप एक एजेंडा जो चल रहा है सोनिया गांधी का, वो ना करें इसके अंदर। अब इर्तगुल जो है, और आप कहते हैं कि जी हमारी आवाम देखनी नहीं चाहती ड्रामा, हमारे आवाम क्यों नहीं देखती? इर्तगुल इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामा इन पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान में एक वह ड्रामा है, जैसे वारिस ड्रामा होता था उस वारिस ड्रामे की तरह चल रहा है। तो हमें ये ड्रामे इस तरह के इर्तगुल जैसा ड्रामा क्यों नहीं बना सकते? अगर खलील कमर आए हैं, उन्होंने बताया कि जी मैं लिखूंगा ड्रामा, भाई लिखो जालिम ड्रामा, लिखो प्रोड्यूस करो, ताकि हमारी जो कौम है वो जिंदा। अब आप देखें यूसुफ बिन ताशकेन, नसीम एजाजी ने नावल लिखे, अब नावल की नज़र नहीं आता। मैं जब बचपन में था 8वीं 9वीं जमात में पढ़ता था क्रेडिट कॉलेज हसन अब्दाल में, तो हम वो बड़ी खुशी से पढ़ते थे मोहम्मद बिन कासम, यूसुफ बिन ताशकेन, सलाहुद्दीन यूबी के, वो नावल पढ़ते थे। अब नावल की नज़र ही नहीं आती, हमारे बच्चों को तारीख ही नहीं पता। सल्तनत उस्मानिया कैसे तबाह हुई? ये वो सल्तनत उस्मानिया तबाह हुई जिसको तैयब उर्दोगान अभी रिवाइव कर रहे हैं। सर उनके लिए भी मुश्किल था, टर्की में इससे पहले जो ड्रामे बने हैं वो सारे उस तरफ जा रहे थे कि वो अखलाकी पस्ती का शिकार थे, फिर उसमें सोचा एक इंसान ने ना, सोचा और फिर उसने तारीख बना दी। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि तैयब उर्दोगान ने सोचा ना, इसी तरह इमरान खान साहब ने आज सोचा है, और तैयब उर्दोगान का जो ड्रामा उन्होंने बनाया था इर्तगाल, वो लगा दिया उन्होंने। तो इसी में कहता हूँ कि अब इसकी जिम्मेवारी है कि आप जैसे लोगों के, आप जो यंगर जनरेशन है, आप देखें। अब मैं आपको 6 सितंबर की बात करता हूँ। अब मैंने बताया कि वो जो वलवला था वो आया, ठीक है, और राजा अजीज भट्टी, निशान हैदर और मेजर शफकत बलोच, इन्होंने पूरे इन्फेंट्री डिवीजन को रोका यहाँ,
और वो जो मैंने माइलस्टोन आपको बताया, मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा, वो दिखाइएगा, उसमें 14.2 ब्लडी माइल लगा और उसके बाद टिली के फायर चार के छल लगे हुए हैं उसके। और जब वो आए और दुश्मन को ये अहमियत उठानी पड़ी। अब हुआ क्या कि 4 तारीख को ये ऑर्डर वगैरह मिल गए, 5 तारीख को हमारी यूनिट 17 पंजाब वो यूनिट है जिसने 1948 में चुंज के ऊपर हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रस्सों की मदद से एक तोप को बांधा और चुंज फीचर के ऊपर से हमला कराया, और वो भी समर ऑफेंस, वो भी एक डिवीजन का हमला था। नीलम वैली में एक डिवीजन पे आ रहा था, झेलम वैली में जिसको पांडो के अंदर रोका गया ब्रिगेडियर अकबर साहब ने, और यहाँ पर ब्रिगेडियर हाजी इफ्तार साहब थे और हमारी यूनिट थी जिन्होंने उसको चुंज फीचर कैप्चर करके नीलम के वाले। तो ये मुंसलिक है हमारी, वो यूनिट है, कनेक्टेड है। 65 वार इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 1947, जिसको एक साजिश के तहत वल्लभभाई पटेल, माउंटबेटन और नेहरू ने मिलकर ये एक साजिश की कि कश्मीर जो है वहाँ, हालांकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। हमने क्यों मुस्लिम लीग ने ये अग्री की, जब कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान की तकसीम जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान बन जाएंगे और हिंदू मेजॉरिटी, तो आप इसका भी करते, बड़ी पुरानी है, ठीक है, लेकिन ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। ये मैं बाद में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं बता दूँ। तो 5 तारीख को ऑर्डर्स मिल गए, तो शाम को जो थे 7-8 बजे करीब, जो हमारी यूनिट थी 17 पंजाब, जिसकी कमांड ब्रिगेडियर मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी कर रहे थे, और एक मैं थ्रेश और सर्विस का बता दूँ, ब्रिगेडियर मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी साहब जो हमारे कमांडिंग अफसर थे, उनकी 21 साल सर्विस थी, वो दूसरी जंग अजीम में लड़े हुए थे। कलवंत सिंह साहब उनके CO थे, लेफ्टिनेंट जनरल कलवंत, और वो कश्मीर के अंदर जब आए वो इतने एक्सपीरियंस है। हमारे जो 2 IC थे वो IMA PMA के ब्रिगेडियर असगर साहब थे, जिन्होंने माइल स्टोन लगवाया। राजा अजीज भट्टी निशाने हैदर इतने काबिल अफसर थे, फर्स्ट PMA के थे, कैनेडियन स्टाफ कोर्स किए हुआ, नॉर्मल गोल्ड मेडल लिया हुआ उन्होंने, सोर्ड ऑफ ऑनर ली हुई, इतने काबिल आदमी थे। तो उसके अंदर जब शफकत बलोच साहब को उन्होंने कहा कि आपने चूँकि एडवांस पोजिशन, मैं अब ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं करता, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया था फील्ड मार्शल यूब साहब ने, एडवांस डिफेंस ऑन ब्रॉड फ्रंट, उसमें यह था कि 1/3 फौज जो है वो लगेगी ग्राउंड पे और 2/3 हम पीछे रिजर्व में रखेंगे, जब दुश्मन को हम किलिंग जोन में ले आएंगे फिर उसको हम तबाह कर देंगे उसको पीछे से हमला करके। ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसके अंदर ब्रिगेड लेवल के ऊपर एडवांस पोजिशन एक लगनी थी कंपनी की, तो शफकत बलोच साहब को गाड़ियाँ दी गई कि आप फ़ौरन जल्दी निकलें, तो वो 8 बजे गाड़ियाँ लेकर 12:30 का टाइम था वो वहाँ पहुँच गया। उन्होंने कहा जी मोर्चे वगैरह वो 5 तारीख को ऑलरेडी रैकी करके देख चुके हुए थे, तो वो उन्होंने मोर्चे से लगाने शुरू किए। कुछ 2:30-3 का टाइम होगा तो उन्होंने कहा भाई बच्चों मोर्चे उच्चे लगे हैं तो चाय बनाओ भाई, अभी टाइम हो गया है और नाश्ता वगैरह करते हैं। अभी वो ये बात कर रहे हैं 2:30 बजे की बात, क्योंकि यूनिट भी खुदाई वगैरह कर रही थी, 1.5-2 घंटे उनको, 1.5-2 घंटा हुआ था उनको आए हुए, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं और डेरा ड्रेन से क्रॉस करके। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, उन्होंने कहा दुश्मन ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा भाई छोड़ो, उन्होंने अपनी जीप पकड़ी फ़ौरन बॉर्डर की तरफ चले। जब वहीं बॉर्डर क्रॉस करके वो डेरा ड्रेन क्रॉस थोड़ा आगे गए, 0.5 किलोमीटर तकरीबन होगा, 0.5 मील, तो वहाँ से रेंजर्स जो हमारे बॉर्डर पर लगे हुए थे वो रेंजर्स वापस आ रहे थे, और एक RNS की प्लटून थी 11FF की, रेकी एंड सपोर्ट बटालियन की, वो भी आ रहे थे। तो उन्होंने कहा सर आप ना आगे जाएं, वहाँ तो हमला हो गया, तोपखाने का फायर आ रहा है, दुश्मन तो टैंकों के साथ आगे हमला कर रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो वापस आए, उन्होंने ब्रिगेड में इतला दी, ब्रिगेड मेजर साहब माने ना कि नहीं भाई कैसे हमला हो गया। फिर वहाँ से हमारे जनरल अरशद चौधरी साहब थे, वो लेफ्टिनेंट थे, वो गाड़ी लेकर आए, उन्होंने फिर वेरीफाई किया, यानी कि ये कन्फ्यूजन चल रही थी। लेकिन कट द स्टोरी शॉर्ट, शफकत बलोच साहब आके उन्होंने फौरी कंपनी अपनी को लगाई, वो जो प्लटून थी RNS की उसको शुमाल में, उस पुल छोड़ के शुमाल में उसको डिप्लॉय किया, और इधर जनूब के अंदर पुल शामल अडेरा ट्रेन से उन्होंने अपनी कंपनी को लगाया 3 प्लटून्स, अब क्योंकि एडवांस पोजिशन की यही बात होती थी। अब देखिए इसमें अल्लाह ताला ने कैसे मदद की हमारी, ये आप देखें ना, ये हम कहते हैं मोरालिटी की बात करते हैं, कुव्वत ईमानी की बात करते हैं, वो जो कलमा पढ़ के उन्होंने कहा फील्ड मार्शल अयूब ने, उसका क्या असर हुआ? उसका असर ये हुआ कि जब दुश्मन के टैंक आए तो अभी चुस मुसरे का टाइम था, यानी कि सूरज निकल रहा था, ये ऐसी कोई बातचीत थी, थोड़ी सी रोशनी हुई थी, तो टैंक नज़र आया तो नायक मुनसिफ को शफकत बलोच साहब ने कहा कि भाई उतरा पै जा। उसने उस ज़माने में RNS राइफल होती थी, हमारी एक्यूरेट नहीं होती थी, उसने जो माला पहला गोला उसका मिस हुआ, वो पूरी निकाल के दूसरी जगह पर गया, उसने गोला दूसरा मारा तो टैंक हिट हो गया।
अब ये टैंक जो हिट हुआ था, दूसरी हमारी जो थी आर आर, वो 1500 गज दूसरी साइड पे दूसरे दाने में लगी हुई थी ऐसे कमनी में, उसने गोला मारा था वो भी टैंक। अब दो टैंक जब हिट हो गए तो दुश्मन परेशान हो गया कि इतनी एक्यूरेट ट्रेनिंग, ठीक है हमने हमारी यूनिट ने बहुत ट्रेनिंग की हुई थी, लेकिन ये भी अल्लाह ताला का करम हुआ कि दोनों टैंक, हाँ कि दोनों टैंक हिट हो गए। दोनों टैंक हिट हो गए तो दुश्मन घबरा गया, खड़ा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो डिफेंस ऑन ब्रॉड फ्रंट है तो मेन पोजीशन इन्होंने उडियारा ड्रेन पे तो नहीं की लगाई हुई। उडियारा ड्रेन जैसे अब आप जाके देखेंगी तो वो इस हालत में नहीं थी, ये बहुत छोटा सा नाला सा, एक नाली सी सी बनी हुई, और इसकी जो पुल था वो भी बिल्कुल ज़मीन के साथ था, बहुत छोटा सा पुल था और बड़ा छोटा सा नाला था। अब तो बहुत बड़ा है, अब तो वैसे भी बड़ा ऑब्स्टिकल है अगर आप अभी आप जाके देखें तो वो जो शफकत बलोच साहब ने, फिर एक हमारा एक गुलाम अहमद था उसको भी टीजे मिला, मुनसफ साहब को भी तमगा जरूरत मिला, शफकत बलोच साहब को सतारा जरूरत, इनके उनका बाजू जख्मी हो गया, यानी गोली लगी। अब ये बाहर निकले ना, उनका बच्चे निकलो अगर उसकी वो मशीन गन की जो फायर करना था वो बंद में रखाया, तो साथ ही दुश्मन सामने खड़ा था, उसने दोबारा फायर किया तो उनकी बाजू को लगी गोली, उन्होंने पट्टी शट्टी बांधी। वो गुलाम अहमद ने कभी इधर रखे मशीन गन, उधर रखे, तो बड़ी उसकी। अब इनको टारगेट था कि 2 से 3 घंटे आपने दुश्मन को डिले करना है ताकि हमारी जो मेन दफाई पोजीशन है BRB पे वो तैयार की जा सके, लेकिन अल्लाह ताला करम ये हुआ कि इन्होंने 2 बजे तक रोके रखा। 2 बजे फिर इनको सख्त ऑर्डर्स मिले ब्रिगेड की तरफ से कि आप वापस विड्रा करें भाई, हमने बरकी का पुल तबाह करना है, तो दुश्मन को आपने रोका है, बस ठीक है। तो दुश्मन को रुका रहा 2 बजे तक, उडियारा से आगे नहीं निकला, सुबह 4 बजे 3 बजे के वहाँ इन कॉन्टेक्ट हैं, 4 बजे से लेके 2 बजे तक वो रुके रहे, और किसने रोका, एक कंपनी ने, तो एक कंपनी तो नहीं रोक सकती, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला करम हुआ। जब ये वापस आए उधर, अब एक और कहानी राजा अजीज भट्टी की मैं शुरू करता हूँ। लोग समझते हैं कि राजा अजीज भट्टी निशाने हैदर को टैंक का गोला लगा और शहीद हो गए तो निशाने हैदर मिल गया, नहीं उसकी बात नहीं है। उन्होंने, वो बड़े लायक अफसर थे, उन्होंने ब्रिगेड कमांडर से डिस्कस करके CO साहब, बात CO तो पहले ही मुतफिक थे उनसे, उन्होंने कहा सर हमें BRB के आगे जाके लड़ना चाहिए, क्योंकि 7-8 मील का फासला है उडियारा ड्रेन में और BRB के अंदर, तो हम उनको वैसे ही एक तरन वाले की तरह दे दें, हमें चाहिए कि हम उनको पहले रोकें बरकी गांव से आगे, जब उनको हम रोक के वहाँ तबाह करें फिर हम मेन पोजीशन पे आएं। अब चूंकि अभी पोजीशनें ख़ास तैयार नहीं थी तो इन्होंने फिर 2 प्लटूनें अपनी आगे बरकी गांव के आगे लगाईं, जिसकी कमांड एक ब्रिगेडियर रहमान उसको सेकेंड लेफ्टिनेंट थे, मुझसे वो सीनियर थे, वो सेकेंड लेफ्टिनेंट कमांड कर रहे थे, दूसरे एक और सुबदार साहब, तो तीसरी प्लटून इनको फिर हमारी जो नेबरिंग यूनिट थी 12 पंजाब, उसमें सुबदार आलम जेब साहब थे, उनको भी सतारा जरूरत मिला, वो प्लटून को वो बड़े दिलेरी से और बहादुरी से लड़े, 12 पंजाब के सुबदार आलम जेब साहब बहुत दिलेरी से लड़े, तो वो 3 प्लटूनें फिर आगे लग के। अब राजा अजीज भट्टी साहब ने एक और क्या किया, वो बड़े लायक अवसर थे, एक डेलीगेशन आया हुआ था 6 सितंबर को, इन्होंने ये सारी साइटिंग वगैरह करके अपने कमनी अफसर को सुबदार साहब को बताया कि मैं अभी शाम तक पहुँच जाऊँगा डेलीगेशन के साथ, तो तुम ये कमनी वगैरह लगा देना, और जो चुबारा है ये उन्होंने सेलेक्ट किया कि यहाँ पर मेरा कमनी हेडक्वार्टर होगा, यहाँ पर मैं एयर अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगाऊंगा, और जो आर्टिलरी के कैप्टन थे अनवर खान साहब वो भी बड़े दिलेर आदमी थे इनके साथ, यानी कि एक जज्बे से भरपूर थे सारी दुनिया, उसको कहा कि तुम वहाँ OP ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगाना तो मैं आ जाता हूँ शाम तक। लेकिन जो ही वो वहाँ कंडक्ट कर रहे थे, इतला मिली कि दुश्मन ने हमला कर दिया, वो सारा छोड़ छाड़ के जीप पे बैठे और फौरन पहुँचे यहाँ बरकी में, आगे सीधे वो क्रॉस करके पुल, और उन्होंने जाके वो चुबारे के अंदर अपना हेडक्वार्टर लगाया, और ये 3 प्लटूनें अब लगी सुबदार आलम सेब साहब 12 पंजाब के हमारे जनूब में है, बाकी 2 प्लटूनें सेकेंड लेफ्टिनेंट अब्दुल रहमान उनकी प्लटून और एक सुबदार साहब की प्लटून, और ये तीनों जनाब जफाकशी एक अमरूदों की, और उनको बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे सिखाया जाता है ना, इस तरह राजा अजीज भट्टी साहब उनको कंडक्ट कर रहे थे, और ख़ुद वो उस चुबारे में चले गए। अब वो चुबारे से इतना एक्यूरेट फायर उन्होंने करवाया, नीचे सबसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम ही हमारा बहुत अच्छा था, इक्विपमेंट बड़ी बहुत अच्छी थी, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 6 सितंबर से लेके जो उनका 6 सितंबर शाम को कंटेक्ट किया, 7, 8, 9, 10 4 रातें और 5 दिन राजा अजीज भट्टी साहब ने दुश्मन के एक इन्फेंट्री डिवीजन को रोके रखा BRB के पास, उनको नज़दीक नहीं आने दिया। अच्छा, अब जब ऑब्जर्वेशन करके थे पोस्ट से थे, उसके ऊपर दुश्मन ने कहा कि भाई ये तो बड़ा एक्यूरेट फायर करा रहा है, इसको तबाह करना चाहिए, उन्होंने ना तोपों का फायर कराया, वो नहीं कुछ हुआ उनको, फिर डायरेक्ट टैंक की, मैं आपको तस्वीर दूंगा उसमें देखें कि आप खुद डर जाएंगी कि ये क्या हुआ कि इस चुबारे के अंदर डायरेक्ट टैंक का हिट लगा हुआ है, अंदर से कमरा तबाह हो चुका हुआ है,
तो ये कैसे सरवाइव किया ना? अल्लाह ताला की करम नवाजी थी ना कि वहाँ से इंडियन एयरफोर्स ने भी अटैक किया उसी चुबारे के ऊपर, चुबारा ऊपर था अटैक करना, तो ये होता ये था कि जब ये अटैक इन पर आता था तो ये नीचे चले जाते थे और एक आदमी जख्मी नहीं हुआ। ये पाँच आदमी सात आदमी थे, एक आदमी जख्मी नहीं हुआ। फिर वहाँ इनका क्वार्ट मार्शल उदार था जो चाय शाय इनके लिए लेके आते थे, तो बंदे को नीचे भी थे उसमें चल, एक आदमी अल्लाह ताला के फलों में ना राजा अजीज भट्टी साहब को जख्म आए ना किसी को बंदे को आए। इतने हमले करने के बावजूद ट्रैक टैंक का हिट, अगर वो तस्वीर देखें तो आप खुद दर्द जाएंगी कि ये इसके बाद कोई बंदा बच ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला की मदद थी। ये जब हुआ तो फिर 10 तारीख को उनको ऑर्डर मिले 10-11 की रात को भी आप वॉरंट विड्रा करें, कंपनी को विड्रा करके पीछे लाएँ। सुबह आलम जेह साहब उसी दिन उसी तगोदों में शहीद हो गए, उनकी बाडी पे गए, उनको सतारा जुरत मिला। इसी तरह हमारे बंदे भी काफ़ी शहीद हुए। तो जब ये अगर आपने ड्रामा देखा हो तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर मुनीर जो उस वक्त एजिटेंट थे हमारी यूनिट के, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया, वो ब्रिगेड कमांड कर रहे थे ये ड्रामा जो, तो ज़ाती विटनेस थे, तो हर एक एक चीज़ जो वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पर दिखाया गया है कि जनाब लोग कफन बांध के आकियाँ उठा के वो आ गए हमारी यूनिट में। ये बिल्कुल सच्चा वाक्य है कि वो जब हमारी यूनिट में पहुँचे तो फिर सीओ साहब ने कहा आरपी वालों को जाओ भाई उनको भेजो बच्चे, या तो तोपखाने का फायर आएगा आप जख्मी हो जाएंगे। हम बैठे हुए हैं जब तक ऊपर देगे लेकर आए हुए थे, वो देगे फिर पीछे जो जहाज वगैरह थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए, उनका नहीं हमारे पास खाने छाने का बंदोबस्त। लेकिन ये स्पिरिट थी कि उस बलबला था कि लाहौर के अवाम वहाँ पहुँचे हुए बॉर्डर के ऊपर, और जिसने हमारी तरफ नहीं वाघा साइड के ऊपर वहाँ मोहम्मद बूटी के ऊपर लाहौरिये निकले हुए हैं, डर नहीं रहे किसी से कभी क्या हमला हो। तो ये राजा अजीज भट्टी निशान हैदर साहब, ये चार रातें और पाँच दिन का उनका जज्बा है जो उन्होंने एक पूरे इन्फेंट्री डिवीजन को रोकी रखा। और इन्फेंट्री डिवीजन का पहले 41 ब्रिगेड लीड कर रहा था, जब वो नाकाम हुआ फिर दुश्मन दूसरा ब्रिगेड लेकर आया, उसको रिमूव किया उन्होंने, दूसरा ब्रिगेड लेकर आया। तो 10-11 को जब इनको ऑर्डर मिल गया राजा अजीज भट्टी साहब को, तो आपने देखा होगा क्योंकि पुल तो 6 तारीख को उड़ा दिया गया था मरकी का, तो जो एक रसद पहुँचाने का या खाना शाना पहुँचाने का उनको, क्योंकि दो प्लटूने आगे थी उनको खाना भी पहुँचाना था सारा कुछ करना था, तो यहाँ पर जो हमारा बी एच लान से वो किश्ती के जरिए जाता था, वो आपने ड्रामे में अगर देखी हो तो किश्ती के साथ रस्सी बंधी हुई है और वो किश्ती जो है उसके अंदर रसद लेके जाते हैं। तो ये सारे बंदे उसी किश्ती से जो हमारे ड्रा कर रहे थे उसी किश्ती से वापस आ रहे थे, स्विमिंग तो कर नहीं सकते थे काफ़ी गहरा पानी था, तो उसी किश्ती के अंदर से विड्रा की। जब राजा अजीज भट्टी सबसे खीर में वापस आए, पहले पूरी कंपनी को भेज दिया, रहमान साहब को भेज दिया, सुबदार साहब को भेज दिया, अनुजेब साहब की प्लटून को भेज दिया, उनकी बॉडी जो थी वहाँ पहुँचा दी बारा पंजाब में, जो शहीद हो गए उनको सतारा जुरत हमारे कर्नल साहब ने रिकमेंड किया उनको। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला यार कि हमारे चार बंदे के पाँच बंदे अभी जख्मी हैं, तो रह गए उधर ही। राय अजीज भूनों का अच्छा मैं जाता हूँ दोबारा, ये पर पूरी कंपनी के पीछे आने के बावजूद किसी और को भी भेज सकते थे, उन्होंने कहा नहीं मैं खुद जाऊँगा। वहाँ से जो नज़दीकी बंदे थे 8-10 इकट्ठे किए उन्होंने और उसके अंदर बिठाया, खुद स्टैंड गन ले ली और उस किश्ती में बैठ के दोबारा गए। वहाँ एक बहुत बड़ा मोर्चा था, अभी भी शायद अगर जाएँ तो आपको नज़र आए, वहाँ पर दूब दूब लड़ाई हो रही थी, दुश्मन तो अगले किनारे पर पहुँच चुका हुआ था। रात की 11-12 बजे का टाइम था, वो अंधेरा था और उसमें वो तूफाने का फायर की जो लाइट आती है वही जलती थी। तो ये जब पहुँचे वहाँ तो वहाँ नासने कसमतला था हमारे यूनिट का, वो बड़ा दिलेर लड़का था, उसको तमगा जुरत बार मिला, वो LMG थे लाइट मशीन गन, उसमें बार कहते थे उसको, अमेरिकन वेपन था, उसको नीचे से मोर्चे से निकाल के बाहर रख के तो बाहर से फायर कर रहा था। तो नेचुरली वो बेचारा ज़ख्मी हुआ बहुत सख्त, तो फिर हमारी यूनिट तक पहुँचते पहुँचते वो शहीद हो गया। लेकिन उसकी बॉडी बाकी चार बंदों की जो जख्मी थे उनको उठाया राजा अजीज भट्टी साहब ने खुद। अब उससे पहले उन्होंने क्या किया कि वहाँ तो तुब दूर लड़ाई हो रही थी, ये जो आठ बंदे साथ दे गए थे इनको कहा इन्होंने चलो भाई चार्ज करते हैं, इन्होंने फिर नारा तकबीर लगा के फिर एक्चुअली चार्ज किया उनके ऊपर, अटैक किया। वो दुश्मन तो अब रात का अंधेरा था 11, उनको तो नहीं पता कि 10 आदमी है कि 50 आदमी है कि 100 आदमी। जब नारा तकबीर मुसलमान जब नारा लगाता है तो फिर आपको पता है कि लोगों के दिल दहल जाते हैं, ये आपने सारी जगह देखा होगा, जब भी नारा तकबीर कहते हैं लोग दहल जाते। वो इंडियन घबरा के पीछे हुए, इन्होंने अपनी वो जख्मी साथियों को उठाया, वो लाश उठाई उसमें तुल्ला की गाड़ी में रखी, उसमें किश्ती में रखी और उस तोपखाने के फायर में गोलियों की बौछाड़ में राजा अजीज भट्टी साहब वो लेकर वापस आए। जब वापस पहुँचे तो कर्नल साहब ने उनको ऑर्डर दिया कि भाई आप आ जाएँ बटालियन हेडक्वार्टर में रेस्ट कर लें, कि 4-5 दिन से आप लड़ रहे हैं और थक चुके हुए हैं, नहा शा भी लें, वर्दी शर्दी भी पहने,
उन्होंने कहा ठीक है। ये फिर 11 तारीख को वापस गए, 10-11 को तो ड्रा हो चुका था, 11 तारीख को फिर ये गए वहाँ यूनिट में, वहाँ लाए छाए, वर्दी नहीं पहनी, रात उन्होंने कहा रखा इनको, बड़ी मुश्किल से रहे। और फिर ख़त लिखे इन्होंने, अपने बेटे को ख़त लिखा, वाइफ को ख़त लिखे, उनको हौसला दिया, और सारे ख़त का ब्रिगेडियर मुनीर हमारे एक्सटेंट उनका, या तुम पोस्ट कर देना इधर, और सारा इंस्टेंस वो जो ड्रामे में दिखाया भी गया है। फिर हुआ ये कि अगले दिन 12 तारीख को सुबह सुबह हमारे सीओ साहब को कॉन्फ्रेंस में बुला लिया ब्रिगेड कमांडर ने, तो उन्होंने कहा भट्टी तुमने जाना नहीं है, तुमने इधर ही रहना है, मैं वापस आके तुम्हें बताऊँगा। अब भट्टी साहब कहाँ रुकने वाले थे कि उधर लड़ाई लग रही है, तो मैं रात तो मैंने गुजार ली है भैया, दिन नहीं। उन्होंने फ़ौरन नाश्ता किया, एक्सटेंट को बताया 2 AC के सर मैं जा रहा हूँ आगे, जीप पकड़ी, और जो ही पहुँचे तो वो चूँकि एक पहला ब्रिगेड का हमला नाकाम हो चुका हुआ था, हमारी यू नो विड्रा करके कंपनी उनकी वापस आ चुकी हुई थी, तो दुश्मन ने एक फ्रेश अटैक लॉन्च किया अगेन टैंकों के साथ, कि किसी ना किसी तरीके हम नहर के साथ क्लोज होकर नहर को क्रॉस करने की कोशिश करें। वो जब वो आए तो राजा अजीज भट्टी साहब जो ही गाड़ी से उतरे तो तोपखाने का फायर आ रहा था, उसका टैंकों का फायर आ रहा था, उन्होंने फिर वहाँ से निकल के और आके फायर खुद उन्होंने खुद कमांड ले ली। आर्टिलरी ऑब्जर्वर भी साथ थे, उसको दूरबीन उससे ली, उसने कहा अच्छा मैं ऑर्डर देता हूँ, क्योंकि वो खुद बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े जानदीदा थे और बड़े इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर रहे हुए थे, तो उन्होंने वो आर्टिलरी का फायर कराना शुरू किया। वो बड़ा इफेक्टिव फायर कर, लेकिन उनको सही नज़र टैंक नज़र नहीं आ रहे थे, वो थोड़ा सा ऊपर हुए ये छाती एक्सपोज की तो वहाँ से फायर लगी। तो सुबदार गुलाम अहमद रमली वाले ड्रामे में देखें, उसने भी बताया उनका, देखे ना तो उनका भी रोल उसने दिखाया। तो उन्होंने कहा सर थले हो जाओ, टैंक आ रहा है, टैंक का गोला उन्होंने स्पॉट कर लिया था टैंकर ने, सर थले हो जाओ सर। वो कहते बस यार मैं एक राउंड गन फायर किया कि थले आना, ये उनके मुँह से निकला है वन राउंड गन फायर, तो टैंक का गोला लगा और वो उधरी शहीद हो गए। ये निशाने इधर उस टैंक के गोले की वजह से नहीं लगा उनको, अगर वो शहीद ना भी होते जिंदा भी रहते फिर भी उनको निशाने इधर मिलना था उस अटैक की वजह से, जो 10 बंदों के साथ दुश्मन को अटैक किया, अपने बंदों को वापस लेकर आए, 4 रातें और 5 दिन वहाँ लड़ते रहे, तो ये जज्बा था उसके अंदर। फिर वो जब आए इस तरह, तो ये है कि जो जज्बा था 65 वार का वो बहुत ज़्यादा था, और पूरी कौम इकट्ठी लड़ रही थी और इकट्ठे थे साथ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ कि हम जब सेंटर से 11 सितंबर को हम पास आउट हो गए, तो मैं यूनिट में राजा जी भट्टी साहब के शहीद होने के 2 दिन बाद पहुँचा, तो हम वहाँ से पंजाब सेंटर में पास आउट होकर काकूल से वहाँ चले गए, वहाँ पर आर्डर आया कि भाई इनको अगली यूनिटों में भेजें। तो 14 तारीख का आर्डर था, तो हमारे जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे कर्नल लोधी साहब, वो बड़े पुराने थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़े हुए थे उन्होंने, तो उन्होंने क्वार्टर मास्टर को कहा कि भाई इनको वारंट बना दें 14 तारीख का, मूड ऑर्डर भी 14 तारीख का दें। हमें उन्होंने कहा ये 12 तारीख का वाक्य है, उन्होंने कहा जी आप जिस दिन राजा जी भट्टी साहब शहीद हुए, उन्होंने कहा जी आप बेटे 13 तारीख को सुबह सुबह नाश्ता करके निकल जाएं, अपने घरों में अपने माँ बाप को मिल लें, ताकि आप बास पर जा रहे हैं, पता नहीं कौन जिसका शहीद होता है कि नहीं होता या जिंदा रहता है क्या है, जैसे भी है, लेकिन कम अज़ कम घर वालों को मिल लें आप। तो कैप्टन साहब जो थे ना हमारे, वो बड़े कानूनी थे, उन्होंने कहा सर 14 तारीख का मूवमेंट ऑर्डर दे रहे हैं और 13 तारीख को आप इनको भेज रहे हैं एक दिन पहले ही, अगर खुदा न खासा इनसे बंदा को यूनिट में ना पहुंचा, आगे पीछे कहीं हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो मुझे याद है हम बड़े इनोसेंट थे, किसी की उम्र भी 21 साल से ज़्यादा नहीं थी, 18-19-20 साल के हम, ये 15-20 जो अफसर थे जो पंजाब रेजिमेंट में आए थे वो खड़े थे वहाँ, वो बिल्कुल इनोसेंटली खड़े हैं हम। तो वो कहते हैं लोधी साहब हंसने लग गए, वो क्वार्टर मास्टर कहते हैं जज्बे में हैं इनको, तो अगर तुम अभी भी छोड़ दोगे तो अभी सीधे मास पे चले जाएंगे, ये बलबले वाले लड़के हैं, ये सेकंड लेफ्टिनेंट हैं बेचारे, ये तो यंग हैं, तो खून इनका खोल रहा है। तो ये मुझे पता है, मैं मुझे पता है, लेकिन माँ बाप को मिलना भी ज़रूरी होता है, ये मास पे जा रहे हैं कम अज़ कम रस्ते में, क्योंकि सारा जो लड़ाई थी वो सियालकोट में और लाहौर में हो रही थी। तो उन्होंने कहा भाई इनको जाने दें ताकि ये, और उन्होंने कहा अच्छा बच्चे खैबर मेल में आपकी सीटें बुक कर रहे हैं हम, मुंह मुटाडर आपको मिल रहा है हर बंदे को, लग रहा था आपने खैबर मेल पर चढ़ना है।
मैं फिर वहाँ से, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर, सेकंड लेफ्टिनेंट साबर, हम तीन बंदे, बाकी भी यूनिट है, लेकिन हम तीनों ने एक वैगन वहाँ से हायर की मरदान से। सेकंड लेफ्टिनेंट शहबाज, मैं इस तरह पंजाब में जा रहा था, सेकंड लेफ्टिनेंट साबर बाद में फौत हो गए, कर्नल साहब फुल कर्नल होकर रिटायर हुए, वो बारह पंजाब, हम दोनों यूनिटें एक ब्रिगेड में थी, 103 ब्रिगेड में, और जो वाघा सेक्टर था उसके अंदर 16 पंजाब में सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर साहब जा रहे थे। अब आप देखेंगे 11 तारीख को कमीशन मिला है, तो वो जब हमारे साथ आए तो खैबर मेल रेलवे स्टेशन का भी मैं आपको वाक्य सुना दूँ। मेरे वाला साहब चूँकि रिटायर्ड फौजी थे, मेजर थे, तो उन्होंने हमें सवा तैयार करके आधा घंटा पहले ही ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो ट्रेनें लेट थी, तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि सर ये तो ट्रेन 3 घंटे लेट है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इधर ही बैठेंगे इंतज़ार करेंगे। वहीं फिर लोग इकट्ठे हो गए, मैंने वर्दी चूँकि पहनी हुई थी, वहीं नारे इशारे झेलम रेलवे स्टेशन, 3 घंटे का हमें पता ही नहीं चला कि 3 मिनट लगे हैं, ये 3 घंटे गुजर गए। फिर जब मैं उस खैबर मेल में सवार हुआ तो मेरे साथ उस साथी भी मेरे साथ थे। अब हम इकट्ठे लाहौर उतरे, इकट्ठे मिले, हम अपनी अपनी यूनिटों में चले गए। वो सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर जो मेरे कोर्स में थे, 16 पंजाब में गए थे, वो 7-8 दिन के बाद वो शहीद हो गए। यानी कि वही बच्चा हमारे विद इन 7 डेज ऑफ हिज कमीशन सर्विस, 11th को कमीशन मिला है और 21 तारीख को वो मेन वाघा सेक्टर में 16 पंजाब में शहीद हो गए। लेकिन जज्बा था, एक आदमी आगे पीछे, हम सब पहले, मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेन आई है 10 बजे, हम मेरे वाला साहब मुझे 7:45 वहाँ लेके चले गए, और वहाँ पे लोग इकट्ठे हमारी फैमिली के भी नारे इशारे लगा रहे हैं। यही साहब खैबर मेल का था रस्ते में। फिर जब लाहौर रेलवे स्टेशन पहुँचे, उठे थे बहुत ही देखे लोग चढ़ाए गए उन्होंने सारा साहब था, तो ये एक जज्बा था। मैं फिर 14 तारीख को रात को वहाँ पहुँचा, 15 तारीख को अपनी मैंने कंपनी जाए। अच्छा सर, आप तो उस वक्त यंग थे जी, जज्बा तो यकीनन होगा, लेकिन जब आपके फादर वो भी फौजी थे, उन्होंने कोई आपको जाते हुए कोई मैसेज दिया, कोई पैगाम दिया? उन्होंने कहा बेचे के जाके जान पहचानी से लड़ना, बिकॉज वो सेकंड वर्ल्ड वार में कमीशन हुए हुए थे ना। मेरे वाला साहब भी पंजाब रेजिमेंट से, इसी पंजाब रेजिमेंट से थे, और वो मेजर थे रिटायर्ड, लेकिन उनको कमीशन मिला था सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार का तजर्बा था। तो वो उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटे वहाँ जाके आपने डटे रहना है, और आप सेकेंड लेफ्टिनेंट हैं, बड़ा टास्क मिलेगा आपको, और आपने डटे रहना है, दुश्मन को नाको चने, जो यू खान साहब ने तकरीर में कहा उसको सच्चा करके दिखाना है जी। और मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल जज्बे में थे मेरे वाले साहब, एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। सर, आपकी वालिदा ने आपको क्या कहा? वालिदा जो थी उनको घर छोड़ दिया था, वाले साहब ने कहा कि नहीं कोई खातून रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएगी। लेकिन मेरे चचा थे ना, उनसे नारा आ गया जब उन्होंने कहा ना कि 3 घंटे का डिले है, तो वालदा की सेंटीमेंट्स होते हैं, उन्होंने भी कहा कि अच्छा बेटे तुम जा रहे हो, मिल नहीं अच्छी था। लेकिन थोड़ी सी अफसरदा हुई कि बेटे सारे मर्द जो हैं वो रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं सीएफ करने के लिए, मैं नहीं जा रही। तो वो घर में ही अफसरदा बैठी थी। चचा मेरे को जब पता चला कि ट्रेन 3 घंटे लेट है, उन्होंने एक बंदे को भेजा, जाओ यार पैरों भी लाओ। तो मेरी वालदा आई स्टिल रिमेंबर, बुरका पहन के और फ़ौरन पहुँच गई। वाला साहब ने कहा तुम क्यों आई हो? वो चाचा जी ने कहा जी मैं लेके आया हूँ पैर उनके, बेटा जा रहे हैं। और वो मुझे बड़ी शर्म मिली और खुश दिली से कोई उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया, प्यार किया, बात की सारी। और वो हम फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में 3 घंटे इंतज़ार करते रहे, ये जज्बा था। फिर जब मैं यूनिट में पहुँचा 14 तारीख को रात को, अगले दिन 15 तारीख तो मुझे उन्होंने डिटेल कर दिया, मैं जहाँ वहाँ पहुँचा तो अभी होता है कहें सर मड़ाते ही ओले पड़ गए। जो ही कंपनी कमांडर साहब, मेरे रामगढ़ कंपनी कमांडर साहब थे, वो जो ही जीप से उतरे, अब क्योंकि दुश्मन पहले बरकी साइड पे हमला करने की कोशिश कर नाकाम हुआ था, अब उसने कहा जी कि मेरी कंपनी जो थी ना, बी कंपनी थी, वो शुमाल में लगी हुई थी जी। बरकी बिल से शुमाल में लगी हुई थी, और एक प्लटून हमारी क्रॉस थी BRB से आगे थी एक प्लटून, बाकी 2 प्लटून और कंपनी हेडक्वार्टर पीछे था। तो जो ही हम जीप से उतरे हैं तो हमारे पर आर्टिलरी का फायर आना शुरू हो गया। वो रांगड़ थे मेरे जो कंपनी कमांडर थे, काफ़ी दिलेर थे, मेजर अब्दुल मजीद रांगड़, 14 साल सर्विस थी लेकिन अभी कैप्टन थे, क्योंकि कैप्टन मेरे प्रमोशन एग्जाम उन्होंने पास नहीं किया हुआ था, थ्रेश होल्ड ये था। तो उन्होंने कहा और बेटा मैं साथ, वो कहना तने दे रुक भाई, मैं इधर आगे निकला, मैं कहा मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ, मैं आगे निकलूँ जाके। उन्होंने कहा तय दे इधर रहे ना, मैं जा रहे हैं। फिर मुझे साथ उन्होंने लिया, जिस मोर्चे में वो खड़े हो गए स्टील हेलमेट, मैंने भी स्टील हेलमेट उनके साथ खड़ा हो गया। तो उन्होंने फिर आर्टिलरी का फायर मशीन कर उसको ऑर्डर शर्डर देने शुरू कर दिए कि भाई फायर करो। अब चूंकि वो टैंक्स इतने बुजदिल थे वो, कि वो BRB के साथ नहीं आए, अगर वो BRB के साथ क्लोज करते, अपनी इन्फेंट्री भेजते, पैदा फौज भेजते, तो हमारी जो प्लटून लगी हुई थी वहाँ, जो नहर के अपक्रॉस थी,
हमारे पास एक पदरी का पुल था, लकड़ी का फुट ब्रिज था, वो अभी कायम था, थोड़ा सा उसका वो ख़राब हुआ था, लेकिन पैदल हमारा आना जाना उधर से होता, उस प्लटून को हम वहीं से खाना वाना भिजवाते थे। तो वो प्लटून के नज़दीक नहीं आए, वो एक बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ उस प्लटून का, बिकॉज जितना वो फायर करते थे वो ऊपर से फायर करके इधर लगता था, बल्कि मैं जहाँ खड़ा था साथ मेरे एक दरख्त था उसको गोला लगा, उनके टैंक का गोला मेरे साथ दरख्त था, और वो सीज़ फायर के बाद उसको प्रिजर्व करना चाहिए था लेकिन उसको नहीं कोशिश की। तो ये सूरत हाल हुई कि फिर अगले दिन जब वो सुबदार साहब के दो तीन फ़ोन शोन किए थे, कर्नल साहब ने कहा मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट शहबाज को आप आगे प्लटून कमांडर बना के भेज दें। तो वो उन्होंने फिर प्लटून कमांडर मुझे बना के भेजा, और मैं फिर BRB के अक्रॉस इतने दिन रहा जब तक सीज़ फायर नहीं आया। सीज़ फायर के बाद नहीं हम रहे, लेकिन 16 सितंबर से ले कर 23-24 तक एक ही प्लटून थी जिसकी मैं कमान, पूरे ब्रिगेड के सामने एक ही प्लटून थी, उधर अमले शमले उतरे, लेकिन अल्लाह ताला का, लेकिन अल्लाह ताला का अगर करम ना होता और यूनिट जो है इकट्ठी ना होती, ये कभी कामयाबी हमें नहीं हो सकती थी।